जी हाँ दोस्तों, मौसम समाचार के तहत आज जानेंगे अपन देश भर के मौसम के हालात। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है बताएंगे आपको। आइए फटाफट से जानते हैं आज के टुडे वेदर न्यूज अलर्ट के तहत क्या बड़ी खबरें आ रही। अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों, तूफान को लेकर भी एक बड़ी खबर है। उत्तर कैरोलिना से टकराया तूफान इसाइस से समंदर किनारे रहने वालों के लिए चेतावनी जारी की गई है। बाढ़ आने की भी आशंका जताई जा रही इसके चलते। जी हाँ दरअसल दोस्तों, उष्णकटिबंधीय तूफान में तब्दील हुए इसाइस के कारण अंदरूनी इलाकों में भी भारी बारिश की स्थितियां बन रही है। जी हाँ, नॉर्थ कैरोलिना को लेकर अपडेट देख पा रहे कि 136 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान इसाइस तट को खाली कराया गया। तो ये वर्ल्ड लेवल पर तूफान आ रहा है और इसी का प्रभाव दोस्तों भारत में भी कई जगहों पर भारी बारिश के रूप में देखा जा रहा है। और भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जहां एक तरफ चीनी वायरस का मसला चल रहा है और ऐसे में अभी लोगों का एक तरह का दुख भी ठीक नहीं हुआ। उससे पहले ही आप देख पा रहे कि बाढ़ ने लोगों को रुला दिया, यानी कि कई लोग एक साथ दो दो आपदाओं से कैसे लड़ रहे हैं। जी हाँ, बिहार और असम और उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों अभी बाढ़ से बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। बिहार के हालात आप देख पा रहे, बिहार में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीमें यहाँ पर तैनात हैं, लोग बागों की मदद कर रही है। बिहार में बाढ़ के कहर से तकरीबन 14 जिले की 56 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी प्रभावित हुई। प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 दिन तक और भी जोरदार बारिश की संभावना है। दरभंगा जिले में सबसे ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 31 टीमें मिलकर के दिन रात लोगों की मदद के लिए काम करने में तत्पर से जुटी हुई है। और इसी बीच अपडेट देख सकते हैं, असम राज्य में भी बाढ़ और चीनी वायरस दोनों का कहर जारी। अब तक 219 लोगों के जान जाने की खबर है। जी हाँ, असम में दोस्तों 45,000 से ज्यादा कुल कंफर्म्ड केस देखे जा चुके चीनी वायरस के, ठीक है ना। जबकि असम में 17 जिले बाढ़ से भी प्रभावित चल रहे हैं। अब देखिए आप, एक तरफ कोरोना का मसला चल रहा है और दूसरी तरफ लोग बाग बाढ़ से ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं। एक ही राज्य में दो दो तरह के मसले देखे जा रहे हैं, आखिर जनता जाए तो जाए कहां। और एक खबर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से प्रभावित हैं 820 गांव। 15 जिलों के 173 गांव का सड़क मार्ग से भी संपर्क टूट चुका। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। यूपी के तकरीबन दोस्तों 15 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ के करीब 820 गांव प्रभावित हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या चल रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें आपको जरूर बयां कर रही होगी। चलिए मौसम को लेकर और एक खबर देख पा रहे कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में राप्ती नदी भी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 80 गांव में इस नदी के चलते पानी घुस चुका है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे किस तरह से घर भी बारिश से पानी में लबालब भरे हुए हैं। नदियां उफान पर चल रही, पुलिया के नीचे कितना चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, ये तो रही दोस्तों अभी तक के देश में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं ये जानकारी। लेकिन अब आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान या 2 से 3 दिन में भारत में कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से शहरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दरअसल दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिल रही और यहाँ पर भी कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग का अलर्ट है, बिहार के हिस्सों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कौन कौन से हिस्सों में, तो ये भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि हरियाणा में मौसम का हालात देखिए आप, जमकर बरसे बादल। बारिश के बाद जल भराव से लोगों की परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे कुछ जल भराव को लेकर। साथ ही खबर है कि आर्थिक राजधानी मुंबई में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है, बुधवार को भी भारी बारिश की आशंका हुई है। अच्छा, इसके अलावा और भारत के कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो खबर देख सकते हैं, राजस्थान के भी इन जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में दोस्तों, तो टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं कहीं आज गरज के साथ बारिश देखने की संभावना है। अच्छा, इसके अलावा अब दोस्तों संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आज से लेकर 5, 6, 7, 8 अगस्त तक भारत के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून अक्षीय रेखा गंगानगर, हिसार, बरेली, वाराणसी, गया से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र तक पहुंच चुका। वहीं दोस्तों राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और इससे सटे भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ। महाराष्ट्र के तटों के आसपास भी अरब सागर के मध्य पूर्वी भागों का एक चक्रवात बना हुआ। अच्छा, इन सभी के चलते अगले 24 घंटों के दौरान कहां कहां भारी बारिश हो सकती है, तो आगामी 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान जो कहता है वह दोस्तों की कोंकण, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। ओके, तो ये रहे दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।